हेलो फैमिली, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक में मैं अपने जिंदगी के बहुत ज्यादा ऐसे चैप्टर्स तो नहीं, बट बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें शेयर करूंगी। बहुत ही रॉ रहने वाला है ये, एंड आई होप ये आपको बहुत ज्यादा इनलाइटन करेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये इनलाइटन करने वाला है, ट्रस्ट मी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द फेक पीपल, नेगेटिव एनर्जी। और सच में यार, मैं ना बहुत भोली रही हूँ जिंदगी में। मुझे नहीं लगता था कि लोग बहुत बुरे हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बहुत लोगों के अंदर कूट कूट के जेलेसी भरा हो सकता है। बट लाइफ में आपको, आप कितने ही सॉफ्ट हार्टेड क्यों ना हो, लाइफ आपको स्ट्रांग भी बनाती है, समझदार भी बनाती है और लोगों को पहचान भी कराती है। सो इट हैपेंड विथ मी टू। दो मैं पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी रही हूँ, बट मुझे अभी भी मुझे लगता है कि शायद मुझे लोगों को परखने नहीं आता है। और मेरी फ्रेंड्स जो जेन्युइन वाली फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, मैंने जिंदगी में बहुत सारे सांप सपोले, नाग नागिन, बिच्छू, मतलब मैंने ऐसे मतलब 10 फन वाले सांप पाल रखे थे जीवन में। एंड मुझे लगता था कि दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स और बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब डंक मारे हैं ना, लाइक प्रॉपर डंक मारे। तो अभी दिमाग में है कि भाई है सांप सापिन लोग हैं, ठीक है, गर्ल्स भी बहुत हैं सांप सापिन बिच्छू, बॉयज तो खैर बहुत सारी आबादी है ही सांप सापिन में। तो फिर भी बॉयज को लेके, जैसे हम गर्ल्स हैं ना, हम बॉयज को लेके फिर भी अलर्ट रहते हैं कि लड़कों को थोड़ा परख के दोस्त बनाते हैं, बट लड़कियों से तो ऐसे घुल मिल के जैसे कि कौन से जन्म के बिछड़े यार हो, वैसे फ्रेंडशिप करते हैं। और फिर बाद में जब लोगों के असली रंग टाइम के साथ यार लोग ना फेक नहीं कर पाते हैं, और फेक करने का भी एक ड्यूरेशन होता है। कितने साल तक फेक कर लोगे यार? 2 साल फेक कर लोगे, 4 साल फेक कर लोगे, 10 साल फेक कर लोगे, एक दिन मुखौटा गिर जाना है, आपका जो असली रूप है जो कि इंसान वाला है नहीं, वो दिख जाना है, आपके लक्षण भी दिख जाने हैं। तो फिर क्या करना है, क्या फिर बैठ के हम गालियां दें क्योंकि हमारी बहुत एनर्जी ले रखे भाई? उसमें तो हमारा ही घाटा होना है, उनका कुछ नहीं जाना है। लाइक गाना याद आ रहा है, इग्नोर दैट, ठीक है। बट दिस वीडियो वुड बी वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे जो नहीं परखने की कैपेसिटी को आज मैं इस वीडियो में फिल्म ऑन करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ यार, इतना समझदारी तो आ गया है कि मैं लोगों को ऐसे अंधा भरोसा ना करूं। मुझे पता है मेरे लाइफ के जेन्युइन लोग कौन हैं और कौन लोग ऐसे खून चूसने वाले हैं। लाइक मैं पॉजिटिव हूं, मुझे पॉजिटिव बनाने में मेरे माँ बाप का बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी खुश बेटी मतलब को बना रखा है उसमें। अब मैं इतनी समझदार हूँ कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे, लाइक व्हाट वी से टॉम डिक हैरीज को जिंदगी में लाके, मैं अपना एनर्जी वेस्ट ड्रेन आउट नहीं करने दे सकती हूँ यार। इट वुड बी वेरी अनजस्टिस, इट वुड बी अ वेरी रॉन्ग थिंग और अनजस्टिस फॉर माई पेरेंट्स हू हैव, लाइक उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेरे को बड़े करने में बर्बाद की है, तो और बहुत ही ज्यादा लार प्यार से बड़ा किया है। तो मैं ऐसे इतने इजली उनकी ऐसे नहीं वेस्ट होने जाने दा। इस वीडियो को देखने के बाद पक्का मेरी मम्मी का कॉल आएगा, बोलेगी क्या तुम क्या बोलती रहती हो वीडियो पे, पागल वागल हो गई हो क्या, पक्का लग रहा है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कहूंगी, क्योंकि यार मुझे मजा आ रहा है। मैंने जिंदगी में कहते ना इतने मतलब ऐसे, जैसे हम ऐसे अपने दोस्तों में बोलते ना, इतने बहुत ज्यादा मेरा कटा है जिंदगी में, इतना गंदा तरीके से बुरा वाला कटवा के मैं बैठी हूँ। तो मतलब फ्रेंड्स के मामलों में यार मैंने, मुझे एक चीज का बट जीवन भर प्राउड रहेगा कि मैं किसी के जीवन में बिच्छू सांप नागिन नहीं बनी हूँ। मैं बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन रहूंगी, इसके लिए मुझे कोई ऑस्कर मिल सकता है तो प्लीज दे दो। मैं अपने एंड से किसी को आज तक चीट, या फिर किसी को आज तक धोखा, या फिर किसी को आज तक किस जेलसी में ऐसे गिरा देते हैं, वो आगे बढ़ रही है बढ़ रहा है तो उसका ऐसे टांग खींच के कुछ तो उसके जिंदगी में जहर खोल के नीचे, ये सब मैं नहीं की हूँ। और इसके लिए मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड है कि यार गिव मी दैट क्राउन, आई वॉन्ट टू हैव दैट क्राउन,
क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो बहुत गंदे, मतलब इतने गंदे लोग आए हैं जिंदगी में जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इंसान इतना गिरा हो सकता है। और ऐसे गिरे लोग मेरे दोस्त बने, मैं कितनी बेवकूफ रही होंगी कि यार मुझे अकल ही नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से जिससे मतलब मुंह ना लगाया जाए उनसे मैं दोस्ती, ऐसे पागलों वाली दोस्ती करके बैठी थी। बट शुक्र है भगवान का, ऐसे राक्षस मेरे जिंदगी से जा चुके हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लाइफ के। और आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि सब नाग नागिन बिच्छू सपोले नहीं रहे हैं मेरे, टचवुड मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जब मैं ऐसे था ना, ये जहर देख के चले गए थे जब ये लोग, तो मुझे वो ऐसे एंटीडोट देने वाले भी बहुत सारे मेरे दोस्त सच वाले जेन्युइन फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत सालों से फ्रेंड्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा है लाइफ में, पुश आउट करा है, रिफ्लेक्ट करवाया है, तू ऐसी थी, तू ऐसी नहीं है जैसे ये तेरे को मिरर दे रहे, तू ऐसी थी, तू ऐसी है और तू ये कर रही है, ये फालतू लोगों का जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तेरे बारे में, यू आर नॉट दिस पर्सन डूड, वी हैव नोन यू फॉर इयर्स, आई मीन लाइक वी हैव नोन यू फॉर इयर्स, वी हैव सीन यू ग्रोइंग, वी हैव सीन यू एज अ पर्सन, वी हैव सीन यू इन एवरी सिचुएशन। तो मतलब ऐसे पॉजिटिव लोग भी भगवान दया से रहे हैं, कुछ लोग नए लोग भी जिंदगी में, ऐसे नहीं बहुत पुराने लोग भी, बहुत न्यू लोग में भी बहुत पॉजिटिव, बहुत पुश करने वाले, नॉन जेलस लोग, बहुत ही सपोर्टिव लोग, बहुत ही एनकरेज करने वाले लोग भी दोस्त हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांप, नहीं तो यार मर जाती ना, ऐसे सिर्फ सांप रहते जीवन में तब तो विष विष डाल के भी तो मैं मर गई होती, पर जिंदा हूँ मतलब कि अच्छे लोग भी हैं जीवन में, बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं जो एक्चुअली में जब मैं अच्छा करती हूँ तो उन्हें खुशी मिलता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा कर रही है, क्यों कर रही है ये, अच्छा इसके जिंदगी में चार जहर और घोल देते हैं, इसकी जिंदगी खराब कर देते हैं, ऐसे लोग सारे नहीं है, अच्छे लोग हैं यार। तो इसीलिए इस वीडियो का एंड तक, इसलिए लाइफ में ना पर्सपेक्टिव मत बना के रखना, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, वीडियो बनाओ तो सारे ऐसे माउथ फंबल्ड हो जाता है, जंबल्ड हो जाता है, मतलब सही से शब्द निकलने नहीं है मेरे जिंदगी में, ये अलग समस्या है, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो का ये है कि यार पढ़ो दोस्तों को, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता जब हम किसी से फ्रेंडशिप में रहते हैं, लड़की हो लड़का है वो डजंट मैटर, दोस्तों दोस्त होते यार, है ना। तो हम ना ऐसे अंधे बन के लोगों को बिना जज किए रेड फ्लैग्स पर, छोड़ो ये क्या रेड फ्लैग मेरे दोस्तों का रेड फ्लैग कैसे हो सकते हैं, बट जब जिंदगी में वो ऐसा लात मार के जाते हैं ना, और फिर उसके बाद फिर नहीं यार इनसे तो उम्मीद नहीं थी भाई, उम्मीद नहीं थी तो उम्मीद रखना था कि ऐसे भी हो सकते थे, तो रेड फ्लैग्स को हम इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी आर इन फ्रेंडशिप, ठीक है। When we end, you know, friendships are, कहते ना कि everything is fair in love and war, तो यार दोस्ती भी तो प्यार ही होता है एक तरीके का, तो फिर वहां पे भी तो हम अंधे गूंगे बहरे तो बन ही जाते हैं, किसी और का तो सुनना होता नहीं है। तो ये वीडियो का ये पर्पस नहीं है कि ये आप देखो कि एक पर्सपेक्टिव बना लो कि यार सारे दोस्त बुरे हैं, ये वो, यार अच्छे दोस्त होते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, हम गधे होते हैं लाइफ में, हमें समझ नहीं होता है, तो जब तक हमें ऐसे चाटे नहीं पड़ते ना जिंदगी के, तब तक हमें अकल नहीं आती है। तो जिंदगी के कुछ कुछ चाटे जरूरी होते हैं, नहीं तो स्वाद नहीं आना है, और सारे नमक यही चाटे हैं, तो चाटे भी जिंदगी का पढ़ना चाहिए, राइट। तब आप हम थोड़े समझदार होते हैं, और ये समझदारी कब तक रहता है वो हमें भी नहीं पता है। सो कमिंग फॉरवर्ड टू माइंड नॉट रिकग्नाइजिंग दीज रेड फ्लैग्स, देखो एक तो मेरे में बहुत ज्यादा ये इशू था कि मैं लोगों पे इतना मतलब वेरीफाई नहीं करती थी, ठीक है, जो अभी मैंने अपने आप को ऐसे सॉर्ट कर रखा है कि नहीं यार लोगों को थोड़ा तो जानो, जज नहीं करते हैं पर थोड़ा तो जानो यार, लोग कहाँ से आ रहे, पता चला कि कचरे से उठ के आ गए, उनसे ही आपने दोस्ती बना ली, और फिर आप बोल रहे हो कि बांस मार रहा है, बदबू दे रहा है, तो भाई कचरे से जो आया वो तो बदबू ही मारेगा ना, या फिर तो समझ रहे हो मतलब वेरीफाई क्यों करना है कि यार थोड़ा तो समझो, लाइक डोंट मेक फ्रेंड्स ब्लाइंडली। इस चीज के लिए मेरी जो फ्रेंड है ना वो देख रही होगी, वो मुझे पक्का कॉल करके बोले आए हाय इसको अक्ल आ गई, इसको इतने 10-15 सालों से समझा रहे थे कि अरे प्रतिभा दोस्तों को ना थोड़ा परख के बनाया कर, वो बहुत खुश होगी कि भाई फाइनली लड़की को अकल आ चुका है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स को ना वेरीफाई करो, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ने वाली बच्ची में से आती हूँ, हम लोग ना बहुत ज्यादा, हमारी दुनिया ही अलग है, किताबों की दुनिया में है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम ना फ्रेंड्स यदि बनाते तो ऐसे छल कपट वाले दोस्त नहीं बनाते, एज ए नॉर्मल जिससे थोड़ी बहुत भी बात होगी यार ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे फ्रेंड्स है, क्योंकि अपने पास जिंदगी में ज्यादा दोस्त होते नहीं है, क्योंकि किताब में इतने उलझे रहते हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि भाई तेरे साथ मैं ट्विनिंग करूं, तेरे के लिए मैं टाइम मतलब एक एक घंटे कॉल पे बात करूं, नहीं भाई पढ़ाई लिखाई में जिंदगी व्यस्त है अपनी, उसी में मजा आ रहा है, थोड़े टाइम में भी जिससे 5-7 मिनट भी बात होता है ना, हम उसको दोस्त मान लेते हैं, ठीक है, तो उतना वेरीफाई भी नहीं करते हैं, और मतलब सबसे अच्छे से बात करते हैं, आई मीन लाइक वो वाला एक तो मेरा ये नेचर है, मैं सबसे अच्छे से रूडली तो बात नहीं करूंगी, सबसे जो मेरे से अच्छे से बात करेगा जो वो उससे अच्छे से बात करूंगी, ऐसे मैं बात ही उतना नहीं करती हूँ, राइट, बट ये मेरा बुरा क्वालिटी नहीं है, लोगों का थॉट्स है, वी कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है, तो जब भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तो मेरे साथ ये रहा है कि मैं उतना वेरीफाई नहीं करना कि क्या है ये है, फिर आई विल गेट वेरी इमोशनली कनेक्ट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, उनसे लाइक जब दोस्त जब तक नहीं बने तब तक तो चलो ठीक है, अब दोस्त बन गए तो ऐसे हाँ अच्छा इसको क्या पसंद है इसको क्या नहीं पसंद है, ओवर वाला नहीं करना होता है, जो करना नहीं होता है जीवन में, ठीक है, इतना काश मैं अपने माँ बाप के लिए कर लेती तो इतनी अच्छी बेटी, आई मीन लाइक इतनी प्यारी बेटी उनको, ऐसे दे वुड बी ऑल ब्लेस्ड, तो मैं ओवर करना कि अच्छा इनके लिए क्या करना चाहिए, अच्छा यहाँ भी कैफे में बुलाई अब तो ना जाना है, मतलब मुझे हमेशा ये रहता था कि ना मेरे फ्रेंड्स को मतलब आए तो मेन प्रायोरिटी पे डालना है, ऐसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, भाई सारे लोग जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे देने लायक नहीं होते हैं, तो सबको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं देना चाहिए, अब परखो लाइक जैसे मैंने बोला ना मैं परखती नहीं थी, देखो कौन लोग वो डिजर्व करते हैं आपके लाइफ में, जो आपके लिए एक्चुअली में जेन्युइनली खुश है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, आजकल ना बहुत ये गंदा वाला लोगों में ना जेलसी कूट कूट के भरा हुआ है, खुद तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं, आप यदि कुछ अच्छा कर रहे होगे लाइफ में ना, उनको पछता नहीं है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, तो उनको बहुत जेलसी ऐसे कूट कूट के, ऐसे मतलब कौन सा मिक्सर ग्राइंडर से भी ज्यादा अच्छे से उनका ग्राइंड करके ऐसे कूट के भरा हुआ है, जबान मेरी मीठी होगी बट आपको नहीं पता होता आपके लिए कितना जहर घुला हुआ है, मतलब दे वुड बी सो गुड, इतने अच्छे होंगे आप सबको, आई हाई आई एम सो ब्लेस्ड टू फाइंड सच फ्रेंड्स इन माई लाइफ, बट आपको नहीं पता होता कितने बड़े इच्छाधारी शेष नाग है जिंदगी है, ऐसा डंक मारेंगे ना मर जाओगे, इतना जहर भरा हुआ है इनके अंदर, मतलब आपके सामने इतने अच्छे से रहेंगे, पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी गंदगी फैला रहे होंगे आपको खबर नहीं अंदाजा नहीं, हर दिन आपसे मिलेंगे, हर दिन बड़े प्यार से मिलेंगे, बट आपके बारे में ऐसी षड्यंत्र कर रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद का कोई काम नहीं है, बट आपको प्रिटेंड, आपके दोस्त आपको पता भी कैसे चलेगा कि आपके दोस्त ऐसे नालायक है, बट लाइफ में आपको पता चल जाता है, बिकॉज एक चीज फॉर श्योर है, टाइम टेक्स ऑफ द मास्क, कोई भी कितना ही ज्यादा ऐसे 10 किलो का भी मास्क बना के रख ले ना, टाइम टेक्स ऑफ द मास्क, एक दिन मास्क फॉल ऑफ हो जाता है एंड यू गेट टू नो, अब यदि आपका किस्मत ही इतना खराब है कि आप एकदम मर ही गए हो, लाइक ऐसा डंक मारा है किसी ने मर ही गए हो, और उसके बाद आपको पता चला है तब वो जूलियस सीजर वाला हाल हो जाएगा, 8-2 ब्रूटस, मतलब मर गए आप, तब जाके पता चला भाई तू ही ब्रूटस, तू ही था मेरा वो सांप, ठीक है, तो मतलब जिंदा रहते हुए पता होना चाहिए कि कौन सांप है, कौन नाग नागिन है, कौन सपोले हैं, किनको मतलब कहते ना जो सांप होता है उसको उतना भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, वो पता चला है वो फूल के आप ही को मार देगा, तो इट्स बेटर यू रिकॉग्नाइज, इट्स बेटर वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल हु आर जेलस ऑफ अस, और इसका पता बहुत सिंपल लग जाता है, बहुत पहली बात तो रेड फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करो, जो लोग तुम्हें ना ऐसे कहने लग जाए कि तुम्हें ना अपने और फ्रेंड्स को ओपिनियन नहीं लेने हैं, पहला रेड फ्लैग है, पहला रेड फ्लैग उनके बारे में, मान लो कि जिसका नेचर है ना गंदा, वो पहले भी बहुत लोगों के साथ गंदगी करके आ रखा है या आ रखी है, तो किसी और को नेगेटिविटी है ना, मे बी दे विल नॉट कम टू यू कि अच्छा ये लोग तो फ्रेंड्स हैं तो क्यों बोले, है ना,
बट ट्राई टू नो अबाउट दैट पर्सन बिफोर हैंड। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में पता करो कि है कौन, आ कहाँ से रहा है, कैसा मतलब नेचर है इंसान का। ठीक है, Somebody could be wearing a Gucci and a Prada और होगा अंदर मतलब कपड़े पहनने से। तुम 10 लाख के भी कपड़े डाल दो यार, इंसान यदि तुम गंदे हो तुमको वो 10 लाख का भी कपड़े आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकता है डूड। वो चीज मुझे रियलाइज लाइफ में हो चुका है कि लोगों के ना ही अचीवमेंट्स को देख के दोस्ती बनाओ, ना ही लोगों के मतलब स्टाइल वगैरह को देख के दोस्ती बनाओ। ट्राई टू सी हाउ द पर्सन इज। आपके बिहाइंड भी यदि आपके स्टैंड ले रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, आप जहाँ गलत हो वहाँ पे समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, क्योंकि दोस्ती में ये नहीं है ना कि आपको हमेशा प्लीज करना। जो लोग देखोगे कि हर बात पे आपको प्लीज करें, नहीं तुम ही राइट हो, देख लेना भाई बहुत बहुत गलत करने वाले ये लोग जिंदगी में, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी, यू शुड फील लाइक होम विथ योर फ्रेंड्स, यू शुड फील लाइक फैमिली विथ योर फ्रेंड्स। आपको वो जो ना डिवैल्यूड का फील नहीं होना चाहिए, आपको वो वॉयडनेस नहीं। देखो मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उससे मैं बहुत सालों के बाद भी यदि बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार हमारा कनेक्शन ही कभी नहीं टूटा है ना। और कुछ कुछ लोगों से आप लोग रोज मिल रहे हो, मिलने के बाद आप तो एक बहुत एक्साइटेड होके जाते हो, उसके बाद आते हो और जितना मतलब मान लो कि आपकी बैटरी इतनी है ना और इतना कम होके आएगा, ठीक है। तो ट्राई टू सी द एनर्जी एंड द वाइब दे आर गिविंग यू, मतलब ड्रेन आउट कर रहे हैं, बहुत ही अनसपोर्टिव, बहुत ही नॉन क्रिटिकल है, तो ऐसे सांप बिच्छू कुनेवलों को क्यों पालना है, मतलब दे के नॉट डाइजेस्ट। यदि आप लाइफ में प्रोग्रेस भी करोगे ना उनसे हजम नहीं होएगा, दे विल बिच अबाउट यू एंड यू डोंट डिजर्व दैट सर्कल। ऐसे मेरे लाइफ में ना ऐसे मैं ना कभी भी जैसे ये क्वेश्चन स्कूल में भी पूछा जाता है, कॉलेज में पूछा जाता है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं बहुत ज्यादा ये इसका जवाब नहीं दे पाती थी कभी, क्योंकि आई वॉज गुड विथ एवरीबडी। मैं सोचती थी कि सब मेरे फ्रेंड्स हैं, बट सब फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी। मैं यंग प्रतिभा को जरूर बोलूंगी, सारे लोग आपके दोस्त नहीं होते, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत बहुत प्यारे हुए हैं। फ्रेंडशिप इज अ वेरी अमेजिंग रिलेशनशिप यू कैन बिल्ड विथ अनदर पर्सन, बट पूरी दुनिया आपकी दोस्त नहीं है, पूरी दुनिया आपका अच्छा नहीं चाहती है, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करती है, पूरी दुनिया अब जरूरी भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है कि पूरी दुनिया आपकी दोस्त रहे। सो गेट ऑफ दैट वाइब दैट अरे पूरी दुनिया सब बहुत अच्छे है, सबका देखो आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला नाग नागिन साफ सपोले बिच्छू नहीं आएंगे, ठीक है भाई। मेरे को ये वर्ड बोलने में इतना मजा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सांप सापिन नाग नागिन पाल रखे थे, जिंदगी से चले गए ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, मतलब सांस आ रही है यार। ऐसे घटिया लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में पाल रखे थे एज ए फ्रेंड्स, मतलब दोस्त लायक, चलो राम राम जी, ठीक है जय श्री राम, जैसे ऐसे लोगों को जिंदगी में पाल रखे थे। एंड आई एम सो हैप्पी दे आर आउट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अब मेरा ब्रेन एक्चुअल में ब्रीद कर पा रहा है, फंक्शन कर रहा है। नहीं तो इवन इफ आई वॉज डूइंग समथिंग वेरी गुड, मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं यार, क्योंकि कहीं ना एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि यदि आपके बिहाइंड यदि कोई बुलशिट कर रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आती है, या आप सोचोगे कि ये कैसी पागलों से बात हो रही है, बट नहीं ये है। यदि आप किसी से कनेक्टेड हो और वो आपके बारे में पीठ पीछे उनको लग रहा है कि उनको कभी आपको पता नहीं चलेगा, बट देयर इज एन एनर्जी एंड फोर्स विच इज हायर देन अस, जो विजिबल नहीं है बट है, और वो क्या है हमें भी नहीं पता होता है। जब हमारे बारे में कोई गलत कर रहा होता ना, हमें हमारी जो सोल पावर है ना वो पता कर लेती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। एंड टचवुड मेरे साथ मतलब ये चीज है कि यदि मेरे साथ कोई गलत करना भी चाहते है ना, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आती है कि नहीं कुछ तो है, मतलब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या होता है। मे बी इट इज बिकॉज हाउ मच माई पेरेंट्स प्रे फॉर मी, मतलब मैं दूर भी हूँ बट फिर भी मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत पूजा पाठ करती है, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल काइंड की है, और हर जगह जहाँ पे भी जाते हो मेरे लिए हमेशा मेरी सेफ्टी के लिए पूजा करते हैं, ठीक है। कई बार मेरे मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब कि इसको कभी भी किसी तरीके का परेशानी ना हो, स्ट्रांग रहे,
है ना, या फिर हर तरीके का स्ट्रेंथ इसके पास रहे, इमोशनली कॉन्फिडेंट रहे। तो मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रे करते हैं, मम्मी भी बोलती है कि दे हैव प्रेड अ लॉट फॉर मी, एंड आई फील कि वो ब्लेसिंग कहीं ना ये जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना वो आपको काम करते, वो एज अ आपका एक प्रोटेक्शन, एज अ प्रोटेक्टिव गार्ड होता है, जो आपको बहुत बुरी एनर्जी, जो कि मैं पहले इतना बिलीव नहीं करती थी, बट नाउ आई बिलीव, जो आपको बहुत गलत लोगों से, बुरी एनर्जी से, बुरे सराउंडिंग से, बुरे एक्टिविटीज से आपको प्रोटेक्ट करती है। तो ब्लेसिंग्स यार, मैं तो डेफिनेटली मानती हूँ ब्लेसिंग्स आपके काम करते हैं, आपके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा विश करते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट फेक वाला भी होता है, जेन्युइनली वाला भी होता है, बहुत सारे लोग आपका अच्छा देखना चाहते हैं। आप जब दुखी होते हो तो उन्हें तकलीफ, उन्हें भी तकलीफ होती है, जैसे कि यदि मैं दुखी हूँ तो डेफिनेटली माई मॉम एंड डैड वुड बी वेरी वेरी सैड अबाउट इट। नहीं, अब ये मत बोलना मम्मी पापा है बुरा लगेगा, बट नहीं, द वे दे एक्चुअली पैम्पर मी, मुझे बहुत बार टचवुड बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि आई एम देयर डॉटर, है ना। और कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे लिए लिटरली प्रे करते हैं कि ये बंदी हमेशा खुश रहे लाइफ में, और मुझे बहुत फक्र है कि मैं ऐसे दोस्तों की भी दोस्त हूँ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सम ऑफ माई दोस्त फ्रेंड्स। इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद यदि कभी भी मेरे साथ कुछ नेगेटिव लोग करने का कोशिश करते ना, मुझे बहुत वाइब्रेशंस, मतलब ऐसे लग जाते नहीं कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो कुछ, मैं बहुत ड्रेन्ड आउट फील होने लग जाती हूँ, बहुत लोगों की एनर्जी फील होने लग जाती हूँ। एंड आई नो ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत लोग तो पूरी जिंदगी अपना निकाल देते हैं सांप बिच्छू नाग नागिनों के बीच में, पता भी नहीं चलता है, राइट। सो पता करो, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो, यदि तुम्हारे फ्रेंड्स किसी चीज के लिए तुम्हें बता रहे हैं कि नहीं ये सारी चीज भी पॉसिबिलिटीज है, तो अपने दिमाग को वाइड ओपन रखो, अपने परसेप्शंस को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो कि अरे यार ये तो मेरे दोस्त है एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन डू, ठीक है। नॉट एवरीबडी हु क्लेम्स टू लव यू लव्स यू, नॉट एवरीबडी हु क्लेम्स टू बी योर फ्रेंड इज योर फ्रेंड, सो बी अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्टे कॉशियस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर एनर्जी विच ड्राइव्स यू, तो क्यों ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको डिमोटिवेट डिग्रेड कर रहे हो। यार जस्ट इमेजिन योर लाइफ, देर आर पीपल हु लव्स यू एंड जो आपका सच में अच्छा देखना चाहते हैं और बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी का आप पे मतलब फोकस्ड करके आपको अच्छा देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो एक तरीके से आप गलत कर रहे हो ना, क्योंकि आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर रहे हो जो आपको पुल डाउन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वहां डाउन होगी। आप लाइफ में यदि आगे बढ़ना चाह रहे हो, अच्छा करना चाह रहे हो, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के साथ होगी, वो नेगेटिव के साथ नहीं होगी, है ना। तो अब क्या करना है, इफ यू नो दैट आपने सांप सपोले बिच्छू को पाल रखे, तो सबसे पहले तो भगवान को जाके प्रणाम करो कि बचा लिया आपने, ठीक है। इससे अच्छी चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती है कि आपको टाइम रहते हुए नाग नागिन बिच्छू सांप सपोले सारे ऐसे इनके चेहरे दिख गए, तो इससे ज्यादा अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती है कि आप बच गए यार, नहीं तो ये लोग तो अपनी डंक मार मार के विश दे दे के तो आपको तो मार ही डालते। तो सबसे पहले प्रे करो, नहीं मानते हो फिर भी मान लो, भगवान को प्रे करो बचाने के लिए, दैट यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम, जिंदगी है तो मतलब जिंदगी है तो जहान है, राइट। यदि बचते ही नहीं तो भाई कहां से पॉजिटिविटी आती। सो एंड देन वंस यू गेट टू नो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आ रही इंतकाम लेना है, बदला लेना है, ये करना है, उनको चार और गाली देते हैं और उनको इसने मेरा दिमाग खराब किया, यू ड्रेन्ड मी आउट, तुमने मुझे गैस लाइट किया, तुमने मेरा एनर्जी डाउन किया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, इससे ना अपना एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चल गया, ठीक है, एक दिन डेफिनेटली मन में भरास रखने की कोई जरूरत नहीं है, ढंग से झगड़ा करो, रोज रोज करने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन ढंग से झगड़ा करो, कट करो, जिंदगी में ऐसे है ना, ताला लगा के कुंजी फेंक देना वाला सिचुएशन करो, और ताला जंग लग गया उनको लाइफ में एंट्री मत देना भाई, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव गॉट टू नो देयर एक्चुअल मास्क्स हैव बीन फॉल डाउन, यू गॉट टू नो हाउ दे वेयर एंड हाउ बैड दे कुड बी फॉर यू, सो जस्ट प्रे एंड फील ब्लेस्ड दैट यू हैव बीन सेफ, no need to do any take any revenge, nothing, not interested, like I do believe there is always a higher power than us which take care of everybody's karma, be it my karma or anybody else, and mere life mein na
मेरे पापा जिंदगी के बहुत ही औसम इंसान रहे हैं, मेरे पापा बहुत बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे लाइफ में मुझे उतना वैसे वो नॉलेज या ज्ञान नहीं देते हैं, बट उनका ना बहुत सिंपल चीज कहना है, लाइफ में तुम अच्छा करोगी ना हमेशा एंड रिजल्ट अच्छा होगा। इफ यू डू बैड थिंग्स आर नेवर गोना एंड यू नो राइट फॉर यू। इट्स सिंपल, यू डू नॉट गिव मी मच प्रीचिंग, सिंपल है। सही करोगी सही रिजल्ट मिलेगा, गलत करोगी गलत रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट। मतलब यदि मैं यदि गलत करके यदि किसी चीज में रोऊंगी ना, माय डैड विल नॉट कम एंड लाइक टेक ब्लेम्स ऑफ इट। इसने कुछ किया है, शी इज नाउ, इफ शी इज डूइंग गुड शी इज एंजॉयिंग। सो सिंपल, मतलब लाइफ मेरी है, आई शुड नो, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड गेट दीज टीचिंग्स एंड ऑल, ठीक है। बट ये बहुत जेन्युइन चीज है, आपको ना लाइफ में हमें लगता है ना कि कई बार हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, क्यों अच्छे लोगों के साथ, ऐसे बहुत स्टूपिड थॉट्स भी आते हैं। वो अभी है, टेम्पररीली दे माइट लुक विनिंग टुवर्ड्स यू, दे माइट लुक मॉकिंग टुवर्ड्स यू, बट लाइफ बहुत लंबी है, 3 घंटे की मूवी नहीं है। ये बात मेरे स्कूल के एक टीचर ने बताया था कि जिंदगी 3 घंटे की मूवी नहीं है, तो इतना ज्यादा मतलब इट हैज गॉट इट्स अप्स एंड डाउन्स, हमें पता नहीं होता है कर्मा किस इंसान पे कब हिट करती है और कैसे हिट करती है। तो हमें रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट डू यू नो थिंग्स टू फोकस बैक ऑन योर लाइफ। आपको पता चला आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हुई है, कोई बात नहीं यार, कोई जैसे बैटरी डाउन होता है ना, हम रिचार्ज करते हैं और वापस हमारी बैटरी फुल हो जाती है, चार्ज पे डालते हैं ना फोन, वैसे ही ड्रेन आउट हुई है, तो शायद हमें और लोगों से ज्यादा मेहनत करने पर लाइफ में ट्रैक पे लाने के लिए। करो मेहनत, खुद पे फोकस करो, खुद को अच्छा बनाओ। वो लोग से आपने कट कर लिया ना एंट्री, अब उनको लाइफ में आनी नहीं है, वो अब आपके साथ वापस ट्रिक नहीं कर सकते, वापस आपके साथ खेल नहीं सकते हैं। आपने आप यदि उनके साथ अब रूड भी हो रहे हो तो इट्स ओके, लाइक दे डिजर्व दैट, फाइन इट्स ओके। अब उनसे कॉन्टैक्ट भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, यू गॉट टू नो एंड इट्स वेरी ओके टू मेक दैट बाउंड्री लाइन। मैंने जिंदगी में ये सोची देखी है, नॉट सोची, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करा है, आपका ना लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपके हजारों दोस्त रहे, कोई जरूरत नहीं है 100 दोस्त जिंदगी में रहे, 2 अच्छे दोस्त है काफी है। मतलब जो केयरिंग जो एक्चुअल में आपके फ्रेंड है 2 ही है, 1 ही है काफी है, कोई नहीं है, आपके माँ बाप ही बहुत प्यार करने वाले काफी है, ठीक है। तो आपको ना कभी भी ऐसे दोस्त बनाना या ढूंढना सब एनर्जी मत वेस्ट करो। आपको पता चला कि आप कितने अच्छे इंसान से कितने शिट बन जाते हो जस्ट बिकॉज यू अवेयर इन अ बैड कंपनी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड देन नो बडी विल टेक ब्लेम्स ऑफ दैट। वो तो वैसे सांप सांप थे, उनका तो काम ही था आपकी जिंदगी में जहर घोल के जाने के लिए, वो आए थे ही थे ये लो ये चीज करने के लिए। एज अ लेसन लो कि भाई ऐसे सांप सांप नाग नागिन का हो गया जिंदगी में दर्शन, अब पता तो चला कि जीवन में सारे लोग हमारे जैसे नहीं होते, हमारा एथिक्स अच्छा है जरूरी नहीं है सामने वाले का एथिक्स क्या है। तो हो सकता है काफी लोग काफी सारे अचीवमेंट्स के मास्क के ऊपर अपने रियल सेल्फ को दबा के रखें, बट दे डोंट हैव दैट एथिक्स दैट यू हैव, सो इट्स ओके, लेट देम गो, लेट द क्राउड बी मूव्ड अवे, मेक योर लाइफ स्टेबल, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइफ को स्टेबल रखना। जब आपको स्टेबिलिटी आप लाइफ में लाते हो ना, तभी आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। लाइफ इतनी फ्लटर्ड रहेगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका लाइफ में कामनेस रहे, पॉजिटिव रहे, तब आप किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो अपने लिए भी सोचो, अपने लिए बहुत जरूरी है कि आप वैसे लोगों से सराउंडेड ही ना रहो जो आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता है, अच्छा देख ही नहीं सकता है, अच्छा कुछ कर ही नहीं सकता है, बस आपकी जिंदगी में ऐसे नाम के लिए 10 लोग हैं बट है नहीं एक्चुअल में। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो आप कॉल करते करते थक जाओगे, मर जाओगे, दे विल नॉट आंसर यू। बट हाँ, आप क्यों नहीं गए, यदि आप वो उनको रिक्वायरमेंट थी, कोई जरूरत था या फिर कोई प्रॉब्लम में थे, आप क्यों नहीं गए, आप पे हर ब्लेम गेम करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम सच स्टूपिड नॉनसेंस पीपल इन आवर लाइव्स, क्योंकि ये बहुत हेल्थ को डैमेज करते हैं। आप नहीं चाहोगे कि ऐसे ऐसे दोस्त पालो, कहने को तो दोस्त है, फ्रेंडशिप बैंड भी बांध भी दिए, बट आपको तो थेरेपिस्ट के पीछे पीछे भागना पड़ रहा है कि अरे दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब शांत कराओ, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ तो हो जाती है यार, नौकरी सबकी लग जानी है एक ना एक दिन, पैसे सबके पास हो जाने हैं एक ना एक दिन,
ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे अदर जो एस्पेक्ट है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसको भी बहुत ज्यादा यू नो केयर और वैल्यू किया जाए, ठीक है। और यदि आप जिंदगी से छुटकारा पा चुके हो ऐसे दोस्तों से, तो यू आर वेरी लकी, ट्रस्ट मी, हाई फाइव, ठीक है। और मजे करो इस जिंदगी का, सेलिब्रेशन लो, ठीक है। और यदि नहीं अभी भी ऐसे झुंड में हो तो निकलो भाई, और पता नहीं है तो रिकग्नाइज करो रेड फ्लैग्स वाले लोगों के, रेड फ्लैग्स को टॉलरेट मत करो, सहने की इतनी आदत मत डालो कि भाई सहते सहते दम निकल गया और तुम जिंदगी में कुछ ना कर पाए, एंड यू आर नाउ इन योर ग्रेव, एंड नाउ काश नहीं सहे होते, काश नहीं करना जिंदगी में, यू टेक एक्शंस, यू कैन टेक एक्शंस। प्लस ये भी बहुत जरूरी है याद रखना कि देर आर पीपल, नेगेटिव पीपल है तो बहुत पॉजिटिव लोग भी है, तो अपने आप को ऐसे लोगों से रहो जो एक्चुअली में केयर करे। और ऐसे भी नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ टेम्परेली पॉजिटिव लोग हों बाद में उनके भी सांप सापिन वाले, क्योंकि जो सांप सापिन थे वो भी तो शुरू में अच्छे ही थे, कितने महीने भर कितने साल भर वो अच्छे बनते बनते गुजार दिए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे फोकस करो, और टाइम के साथ आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दोस्त नहीं है। भागो मत दोस्ती दोस्त बनाने के चक्कर में, मत भागो किसी के पीछे कि अच्छा ये दोस्त है ये दोस्त नहीं है, इसको प्लीज करना है। दूसरों को प्लीज करते करते ना पागल बन जाओगे, बट वो खुश नहीं हो पाएंगे, एंड यू वुड लूज योर सेल्फ। सो डोंट लूज योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में सेल्फ केयर के बारे में बनाया था ना। सो आई वुड स्टिल से लव योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे चाहे जिंदगी में अभी आप 20-22 साल के भी हो, एट द एंड ऑफ द डे 60-70 साल के भी आपको मर जाना अकेले ही है। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी भर ऐसे 100-200 साल की जिंदगी लेके आए, छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा लाइफ स्पैन है, 60-70-80 मैक्स टू मैक्स आपकी जिंदगी 100 तक जा सकती है, इतने पॉल्यूशन में उसका कोई गुंजाइश तो है नहीं, बट फिर भी एक छोटी सी लाइफ है, उसको प्यारी लाइफ बनाओ, अच्छी लाइफ बनाओ। दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा करने की कोशिश मत करो, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, मेक योर लाइफ द काइंड यू वांट टू मेक, स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप रनिंग फॉर पीपल, स्टॉप यू नो लेटिंग अनवांटेड पीपल डिफाइन थिंग्स फॉर यू, एंड देन यू नो मेकिंग यू ऑल स्टूपिड विद देयर ओन आइडियोलॉजीज। बी अलर्ट, मेक योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लिव, क्योंकि जब भी आप मरो ना, वेन यू डाई यू फील दैट ऑन योर डेथ बेड, आप फील करो कि येस दिस वॉज द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्टेड टू लिव, एंड आई लिव्ड माई लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको किसी चीज का कोई रिग्रेट ना रहे कि भाई मुझे जो जिंदगी जीनी थी मैं नहीं जी पाया या नहीं जी पाई। सो लिव योर लाइफ एज अ फेरी टेल। बहुत लोग बोलते फेरी टेल नहीं एग्जिस्ट करता है, भाई एग्जिस्ट करता है, खुद बनाना होता है खुद के लिए फेरी टेल। तो फेरीज भी होते हैं, टेल्स भी होता है, बट जरूरी यह है कि आपको खुद मेहनत करके खुद का फेरी टेल बनाना होता है। तो बारबी वाली लाइफ चाहिए तो खुद ही बारबी बनना पड़ता है, खुद ही लाइफ को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और लाइफ बहुत प्यारी बन जाती है। बहुत प्यारे लोग हैं, आप बहुत प्यारे हो, मैं बहुत प्यारी हूँ यार, है ना, इतने सारे प्यारे लोग, फिर क्या चाहिए जिंदगी में। एंड डू योर वर्क, फोकस ऑन योर सेल्फ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स रहे ना रहे, आपको अपना काम, अपना माइंड और अपने एथिक्स पे हमेशा स्ट्रांग रहो कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। मुझे ये लाइफ में बहुत प्राउड रहेगा कि आई हैव नेवर बैकस्टैब्ड एनीवन। मैंने कभी भी लाइफ में किसी जिसको जो मतलब करना था या करनी थी, दे डिड दैट शिट टू मी, आई हैव नेवर एवर, एंड आई विल प्राउडली, आई कैन बी वेरी वेरी, मतलब ऑस्कर दे दो यार, क्राउन भी दे दो यार, आई एम सो प्राउड ऑन माई अपब्रिंगिंग, ऑन माई एथिक्स कि हाँ डूड आई डिड नॉट डू एनीथिंग शिट टू एनी वन whom I considered friends। So, यदि मैंने कभी किसी को friends बनाया है तो मैंने उसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से निभाया। So, if they did shit, that's their upbringing, that's their ethics, that's who they are। So, I can't change anything about who the person is। वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही रहेंगे। So, it's most importantly we focus on ourselves। सांप बिच्छू नागिन निवले आते रहेंगे, पहचान के बस दूर करो और enjoy। Life is to be enjoyed, life is to be lived, life is lived to be lived to the fullest। मस्ती करो जिंदगी में, मजे करो जिंदगी में, खूब पढ़ो यार। मैं तो
मैं तो ऐसे इंसान हूँ जो बोलूंगी खूब पढ़ो, खूब अपना लाइफ बनाओ, या फिर जो कर रहे हो उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से करो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, पता है ना वो रेड सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब करना, मेरे 1K अभी तक हुए नहीं है यार, सेलिब्रेशन चाहिए मुझे, एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, गुड बाय।